मुजफ्फरनगर में बढ़ती चोरी और कई आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के लिए संयुक्त व्यापार संगठन ने सुंदरनगर में बिना पंजीकरण रहने वाले भारी राज्य के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे लोगों का अब शहर में बिना पंजीकरण करके रहना आसान नहीं होगा, तो वही व्यापार संगठन के दबाव के बाद पुलिस ने बाहरी राज्य के लोगों को किराएदार के रूप में कमरा या दुकान किराए पर देने से पहले मकान मालिक को उसका पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर मकान मालिक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आज संयुक्त व्यापार संगठन सुंदरनगर द्वारा डीएसपी महोदय जी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कि बाहरी राज्य से आए हुए यहाँ पर जो भी व्यापार कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, वो बिना किसी आइडेंटिटी के, हमने उनको कई जगह देखा, तो हमारा आज इनको ज्ञापन गया है सभी व्यापारियों की तरफ से, वह कुछ हमारे साथ सामाजिक संगठन भी जुड़े हैं, तो आज इनके लिए जो है वो एक नई मुहिम शुरू की है। हमारी मांगे हैं जो भी हमारे सुंदरनगर में वार्ड है, उन वार्डों में जो भी पार्षद चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अपने स्तर पर वहाँ पर जाँच करें, और जो भी ऐसे नकली एजेंसी जो बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं और ये जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, तो इसकी जो वो जांच करवाएं, और जहाँ भी हमारे को सहयोग की आवश्यकता होगी हम इनके साथ हैं। आज सुंदरनगर व्यापारी भाइयों ने मेरे को एक ज्ञापन दिया था, तो जिसमें उन्होंने बाहरी राज्य से जो यहाँ पर हमारे प्रदेश में जो रोजगार करने हैं जो माइग्रेंट लेबर्स आती हैं उनके बारे में था कि उनकी रजिस्ट्रेशन जो है करवाई जाए। तो उसी दौरान ये भी पता लगा मेरे को, जो व्यापारी भाई थे, कि कुछ बाहर से जो माइग्रेंट लेबर आती है वो शायद पुलिस स्टेशन में जाने से हिचकती है, उनके मन में कुछ डर होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने एक ये डिसीजन लिया है कि हम 22 सितंबर को पुलिस स्टेशन से बाहर एक कैंप लगाएंगे। तो जो पुलिस स्टेशन सुंदरनगर में भोजपुर बाजार नज़दीक